नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका जन्म दिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, एक और पैनी शेयर पे चर्चा करने वाला हूँ जिसका नाम है BSEL एल्गो लिमिटेड, जिसका कि शेयर प्राइस करेंट में 12.25 रुपये चल रही है। ये है BSEIndia.com वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर शो हो रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है 52 वीक का हाई लो, तो हाई है 19.74 रुपये और लो 9.46 रुपये। इसमें लेटेस्ट अपडेट न्यूज कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रिगार्डिंग 74(5) ऑफ सेबी DP रेगुलेशन 2018 21/10/2024 का ही है, उसके बाद में कोई भी अपडेट न्यूज नहीं है। और जैसा कि बल्क डीलिंग है तो वो लास्ट 20/8/2024 का ही है, बाई में है। क्वांटिटी कितना है तो 4,63,016 क्वांटिटी है, रेट 16.96 रुपये। शेयर होल्डिंग के मामले में तो सितंबर 2024 के अनुसार प्रमोटर के पास में 16.45% का है, जबकि पब्लिक के पास में 83.55% का शेयर होल्डिंग है। और डिलीवरी परसेंटेज 25 अक्टूबर 2024 का लास्ट 1600 बजे का अपडेट है। इसमें क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 2,35,822, जबकि डिलीवरी में उठाया गया 1,69,795। डिलीवरी परसेंटेज रहा 72.09%, तो काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है इस स्टॉक का। ये स्टॉक BSE पर लिस्टेड है, बाकी NSE पर नहीं लिस्ट है। और जैसा कि आपको अब screener.in वेबसाइट का नाम है इस पे दिख रहा होगा, इसका मार्केट कैप 101 करोड़ का है। स्टॉक पी 3.28 का है, ROC 6.36% का है और ROE 5.61% का है। ठीक ठाक है ऐसे स्टॉक के लिए जिसका कि करेंट प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है 12.20 रुपये और बुक वैल्यू 55.50 रुपये। तो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रही है, तो ऐसे स्टॉक के लिए ऐसा टाइम सही होता है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों, क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड बनी हुई है, यानी कि स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड बनी हुई है। तो ऐसे टाइम में इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके ही कीजिए। एक नज़र क्वार्टरली रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो जून 2024 के अनुसार सेल्स 23 करोड़ का है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ का, क्योंकि एक्सपेंस कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और अदर इनकम 1 करोड़ का, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का, जिसकी वजह से EPS 2.23 रुपये। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका इस क्वार्टर के अनुसार, जून 2024 के अनुसार। बाकी बैलेंस शीट मार्च 2024 के अनुसार तो 83 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, जबकि रिजर्व इसके पास में 376 करोड़ का हो चुका है, अदर लाइबिलिटी 483 करोड़ का, और फिक्स एसेट इसके पास में नाम मात्र का है 1 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट 79 करोड़ का हो चुका है, जो कि इससे पहले मात्र 50 करोड़ का था। टोटल एसेट 941 करोड़ का हो चुका है। इसमें एक बात देखने वाली है कि इसमें दिन प्रतिदिन रिजर्व इसका बढ़ते क्रम में है, तो ऐसे स्टॉक को भी ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टरों को। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। यह आपको जो प्राइस चार्ट दिख रहा है, यह मैक्सिमम प्राइस चार्ट दिख रहा है, तो इसमें काफ़ी लंबे समय से ये नीचे में ट्रेड कर रही है, काफ़ी नीचे में। और जैसा कि 5 ईयर का प्राइस चार्ट है तो इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ कुछ समय के लिए बढ़ती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर से ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर से नीचे आती है। तो इस क्रम में अब ये अप ट्रेंड बन रही है इस स्टॉक में। बाकी अभी तो स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड बना हुआ है, तो ऐसे टाइम में कुछ समय टाइम देना चाहिए
कुछ समय के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करें, मेरा सजेशन है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।